आज हम एक बहुत ही सरल कागज का ग्लाइडर बनाएंगे। इसके लिए आपको केवल A4 साइज का एक कागज चाहिए और कैंची चाहिए। सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से करेंगे, उसके बाद उसी कंस्ट्रक्शन को स्लो मोशन में देखेंगे। पहले कागज को आधे में मोड़िए, फिर चौथाई में, फिर खोल करके 1/8 वाली लाइन मोड़िए और उसको दोबारा मोड़िए, 3 बार मोड़िए और 4 बार मोड़िए। अब उसके बाद में मॉडल को आप आधे में मोड़ दीजिए, जिससे कि पट्टी अंदर की ओर हो, और फिर जो खुले सिरे हैं उधर कैंची से आप इस तरह से काटिए, और जो छोटा वाला टुकड़ा है उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। अब ये हमारे हैं टेल विंग्स, इनको हम नीचे की तरफ मोड़ेंगे, और ये हमारे हैं मेन विंग्स, मुख्य पंख है, इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। अब बिल्कुल हमारा ग्लाइडर तैयार है। आप इसको अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे से पकड़िए और बिल्कुल हवा में हल्के से छोड़ दीजिए। अब इसी का निर्माण हम थोड़ा सा स्लो मोशन में देखेंगे। देखिए, ये है मिड लाइन या मध्य रेखा, और ये है चौथाई रेखा, और ये है 1/8। फिर उसको दोबारा 3 बार 4 बार मोड़िए, और जहाँ पट्टी को अंदर रख करके मॉडल को आप आधे में मोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको 12 खाने दिखाई देंगे। जो लाल रेखा है उसके 3 खानों को काटिए, उसके बाद में नीली वाली रेखा को काट करके बाएं हाथ वाले दोनों खानों को आप डिस्कार्ड कर दीजिए। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले आप टेल विंग्स मोड़िए, और ये मुख्य विंग है, ये इसके जो मेन विंग्स हैं उनको ऊपर की तरफ और टेल विंग्स को नीचे की तरफ। अब ग्लाइडर तैयार है, बस इसको आप अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे से पकड़िए और हल्के से हवा में छोड़ दीजिए, और ये ग्लाइडर बेहद खूबसूरती से उड़ता हुआ करीब 30 फुट आगे जा करके सॉफ्ट लैंड करेगा। इसको फेंकने का तरीका एक बार और देखिए। इस तरह से ग्लाइडर को लॉन्च करते हैं, बिल्कुल हल्के से हवा में फेंक दीजिए, और ये धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ करीब 30 फुट आगे जा करके लैंड करेगा। ये बहुत ही सरल सा ग्लाइडर है। इसको बनाने के लिए आपको केवल एक A4 साइज का कागज़ और एक कैंची चाहिए।